नमस्ते गाइस, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों बेबी, लेकिन अभी क्या हुआ? बाबू कल मेरा एग्जाम है ना, तो मुझे पढ़ाई करनी है। बाय। ओके, ठीक है बेबी, तुम अभी पढ़ाई कर लो। पढ़ाई बाद में कर लूंगी, पहले आपसे बात कर लूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्यों बेबी, क्यों क्यों धोखा दे दिया? ऐसा नहीं करना था बेबी। नहीं देखा बेचारे का कितना दुख दर्द? भाई एक चीज बता मुझे, इतने सामने भाई कौन मोबाइल फोन से बात करता है? पहले वाले बंदे भाई जैसे ही थोड़ा दूर जाता है दूसरे वाले बंदे से, मुंह से पढ़ाई का आवाज सुन के उसे शक हो जाता है, और थोड़े देर जाने के बाद उसे भाई अपने बंदी को दिख जाता है। भाई क्या है भाई, इन तीनों के इतने सामने सुनाई भी नहीं दे रहा था। भाई कौन है ऐसे महान स्क्रिप्ट लिखने वाला? उसको तो भाई बॉलीवुड में मौका मिलना चाहिए ऐसे स्क्रिप्ट राइटर को। गजब बेइज्जती है। बुआ भागते भागते मेरे घर आ जाती है, उनका पति उनको बहुत मारा हुआ रहता है, तभी हम लोग उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ से इलाज करवा के लाते हैं। वो घर पर आते बोलती है कि हमको चिकन पकौड़ा खाना, तभी हम पापा को बताते हैं। मेरे पापा के पास पैसे नहीं रहते तो वो पकौड़े नहीं ला पाते, और मेरी बुआ बहुत रोने लगती है, बहुत नाराज हो जाती है। तो हम आधी रात में सोचते हैं अब हम क्या करें, तभी हम घर पर जाकर चिकन पकौड़ा बनाने लगते हैं। तभी मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी घर आ जाते और वो बोलते आधी रात में तुम क्या बना रही हो? तभी हम बोलते थोड़ा सा रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए भी लेकर आ रहे हैं। उन लोगों को भी चिकन पकौड़ा खिलाते, वो लोग खा के बोलते ये तो केएफसी से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। मेरी बुआ खाती है, वो बोलती ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी एक छोटा बच्चा आ जाता है और उसको भी हम लोग चिकन पकौड़ा खिलाते हैं। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक मिनट भाई, मार खाने के बाद कौन बोलता है मुझे पकोड़ा खाना है, और उसके बाद आधी रात को इस बच्चे के दोस्त भी आ जाता है और एक बच्चे भी आधी रात को आ जाता है। भाई बोल देता कि आज मेरे बुआ आया है, मैं पकोड़ी बना रहा है। पकोड़ी के साथ इतना बड़ा कहानी सुनाने के लिए क्या जरूरत था भाई? बात तो सही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस बच्चे के बातें किसी को समझ में आया क्या? लेकिन भाई मुझे क्यों समझ में नहीं आया, ऐसे लग रहा है कि कोई गेम खेल रहा है और उसके पिंग आया गया, जिसके वजह से ऐसे सान आ रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। ये क्या है? अरे भाई 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 भाई, भाई। मुंह तो धो के आता भाई, सवेरे सवेरे उठा और एक्टिंग करने चला गया, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के तो आता भाई, अच्छे लगता। ऐसे लग रहा है कि जला हुआ कोई आ गया है शूटिंग करने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। तो गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ी से भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।